नमस्कार, डेली लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपा आप सभी के लिए लेके आई हूँ आज आलू का पकोड़ा, जो हमें दिखाएंगी मिसेस ज्योति शाओ। तो ज्योति जी बताइए इसमें क्या क्या लगेगा। इसके लिए हमें चाहिए कच्चा आलू जिसे हम ऐसे छील के गोल गोल काट लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए 1 कप बेसन। उसके बाद हमें चाहिए लहसुन और मिर्चा का पेस्ट जिसे हम यहाँ पीस के रखे हैं। उसके बाद हमें चाहिए हल्दी और उसके बाद हमें चाहिए अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन। तो चलिए जाए देखते हैं कैसे बैटर बनाते हैं इसका। हम बेसन में इस पेस्ट को मिला लेंगे। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा हल्दी। अजवाइन मैंने पहले ही डाल लिया था। और उसके बाद हमें चाहिए स्वाद के अनुसार नमक। चलिए हम देखते हैं बैटर को कैसे बनाते हैं। पकोड़े हम सभी के घर में बनती है, पर ज्योति जी के हाथ का पकोड़ा बहुत फेमस है। एक बार जरूर ट्राई करें इसे बना के। अब हमारी ये बैटर स्टार्ट है जिसे हम ना हम ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये बैटर ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब हम अपना स्टार्ट करेंगे पकौड़ा। ओके, हाँ तो अब हम अपना पकौड़ा तलने के लिए तैयार हैं। यहाँ हम मैंने एल्युमिनियम का कढ़ाई लिया है जो कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। यहाँ हमारा पकौड़े का तैयारी हो रहा है। यहाँ हम एक एक करके अपना पकौड़ा डालते जाएंगे। कढ़ाई पे मत जाइए, टेस्ट पे जाइए। एक बार ये पकौड़ा आप बना के देखिए, आप दोबारा बनाएंगे फिर से। यहाँ आंच को ज़्यादा तेज नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है, पकौड़ा बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ हमारा पकौड़ा थोड़ा थोड़ा फूल रहा है, इसका हम पिछला भाग भी ऐसे ही पलट के तलेंगे। इसको कितना देर पकाना पड़ता है? वही आपको 10 से 15 मिनट। यहाँ हमारा पकौड़ा स्टार्ट है, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना ये जब तक हल्का ब्राउन होना स्टार्ट नहीं होगा तब तक इसे निकालना नहीं है। ये हमारा पकौड़ा अब ब्राउन हो चुका है, इसे हम अलग प्लेट में कर लेंगे। देखिए गर्मा गर्म पकौड़ा रेडी है, देखिए मस्त लग रहा है दिखने में। हम लोग तो इसे खाने वाले हैं। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे बनाएं और खिलाएं सबको। और मेरा ये चैनल आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।